आखिर कब स्टार्ट होंगे मत्स्य यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे आसपास जो भी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, ब्रज यूनिवर्सिटी है, सिखावटी यूनिवर्सिटी है, गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, सारी यूनिवर्सिटियों के टाइम टेबल आ चुके हैं और कई यूनिवर्सिटी के तो 2-3 एग्ज़ाम भी हो चुके हैं। लेकिन अभी तक मत्स्य यूनिवर्सिटी, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर का ना तो टाइम टेबल आया है, ना ही एग्ज़ाम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है कि एग्ज़ाम कब तक होंगे, कितने दिन में होंगे, कुछ पता नहीं है। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है कि एग्ज़ाम कब होंगे, कब नहीं होंगे। डेली कमेंट्स आते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होंगे। तो देखो, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। दरअसल यूनिवर्सिटी में जो काम चल रहा है वो बहुत ढीला चल रहा है, बुरा मत मानना, लेकिन ये जो भर्तृहरि यूनिवर्सिटी है वो बाकी यूनिवर्सिटियों से बहुत ज़्यादा पीछे चल रही है। हर साल पीछे चल रही थी, इस साल भी ये यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटियों से पीछे चल रही है। और वैसे तो 5 साल से ऐसा ही हो रहा है, हर बार सबसे लेट राजस्थान में जो एग्ज़ाम होते हैं वो इसी यूनिवर्सिटी के होते हैं। अब इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। इस बार भी अगर आप न्यूज़पेपर की कटिंग उठा के देखोगे तो वहाँ पे भी जो परीक्षा नियंत्रक है उन्होंने बोला है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में अभी तो टाइम लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न वो बता रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर तो तैयार हैं, टाइम टेबल भी तैयार हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों को लिखने के लिए आंसर शीट नहीं है। कितनी ऐसी की बात है ना दोस्तों, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे बच्चों के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए आंसर शीट नहीं है, बच्चे आंसर कहाँ लिखेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा यूनिवर्सिटी के लोग कह रहे हैं। उनका कहना है कि जब टेंडर निकलेगा, बजट निकलेगा, तो उसमें हमको आंसर शीट के लिए दिए जाएंगे। और अभी तो आंसर शीट के लिए बजट पास होगा तो आंसर शीट आएगी, उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। कितने दुख की बात है ना दोस्तों, ऐसा हो रहा है। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ, बच्चों से फॉर्म भरवाए गए हैं, इतने फॉर्म भरवाए गए हैं, इतने ज़्यादा बच्चों की फ़ीस लगी है, डेढ़ लेट फीस लगी है, एक बार फिर से आपको पता है, एक बार फिर से एग्ज़ाम के जो फॉर्म है वो अभी ओपन हुए हैं 3 दिन के लिए, 31 तारीख तक, 28 से लेकर 31 तारीख तक 3 दिन के लिए फिर से ओपन हुए हैं। जहां बाकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कराना स्टार्ट कर चुकी है, कई एग्ज़ाम करा चुकी है, टाइम टेबल जारी कर चुकी है, वहां पे अभी फॉर्म ही भरे जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के। तो अब आप सोच लीजिए एग्ज़ाम कहां जाने वाले हैं। और अगर किसी का फॉर्म रह गया हो गलती से तो अभी भी भर सकता है वो, अगर मान लो कोई फॉर्म भरने से रह गया तो अभी भी आप भर दीजिए फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी लास्ट डेट 31 कर दिया, 3 दिन और बच रहे हैं। कोई नॉन कॉलेज से एडमिशन लेना चाहता है, कोई बीएससी में एडमिशन लेना चाहता है, कोई बीए एमए एमएससी में एडमिशन लेना चाहता है, अभी भी वो फॉर्म भर सकता है अगर किसी का फॉर्म रह गया हो तो। और एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम का अभी जैसा कि बोला गया है कि अप्रैल के बीच में टाइम टेबल जारी हो सकता है, या मान के चलो कि 10-12 अप्रैल तक एग्ज़ाम का टाइम टेबल जारी होगा, फिर अप्रैल के एंड तक ही स्टार्ट होंगे। तो अभी भी आपके पास टाइम है, कोई बात नहीं, लेट हो गया तो इसको पॉजिटिव लेकर चलिए। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, जो भी आपका सिलेबस रह गया है उसको कंप्लीट करिए। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हो KWS क्लासेस से, और मेरे फ़ोन नंबर आपको मिल ही जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अभी भी आप 3-3 यूनिट पढ़ के, 4-4 यूनिट पढ़ के आराम से अच्छे नंबर ला सकते हो, बहुत टाइम है आपके पास। अभी जब तक आंसर लिखने के लिए आंसर शीट नहीं आ जाती आपके पास बहुत टाइम है। तो अभी तो कुछ लग नहीं रहा कि कब तक आएगा, लेकिन आप मान के चलिए 10 तारीख तक, 12 तारीख तक टाइम टेबल आने आएगा, क्योंकि जब आंसर शीट नहीं है तो आंसर कहाँ लिखवाएंगे। और लगभग अप्रैल के लास्ट में 28-30 तारीख के आसपास एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं, तो अपनी तैयारी मत छोड़िएगा। एग्ज़ाम लेट ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन होंगे तो सही, एग्ज़ाम होंगे, कैंसिल तो होंगे नहीं। ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, आपको प्रमोट कर दिया पहले की तरह, ऐसा नहीं होगा, एग्ज़ाम होंगे। तो सीधी सी बात है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। आपकी और भी कोई समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी, कोई भी न्यूज़ होगी, तो वो मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर दूंगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।